अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे गोभी आलू, वो भी ढाबा स्टाइल में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ढाबा स्टाइल क्यों बोल रहे हैं। जो नॉर्मल आप और हम घर में गोभी आलू बनाते हैं ना, और अगर आपने किसी ढाबे की सब्ज़ी टेस्ट करी होगी, उसमें और हमारे बनाने में काफ़ी डिफरेंस होता है। और उसमें एक अलग ही जायका होता है, एक अलग ही मसालों का फ्लेवर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके बनाने का तरीका अलग होता है। आज हम उसी रेसिपी को आप लोगों से शेयर करेंगे। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। गोभी आलू बनाने के लिए हमने आधा किलो आलू लिए, इनका हमने छिलका उतार दिया है, इससे आलू जल्दी गल जाते हैं। इनको हम हाफ बॉईल करेंगे। आलू के साथ हम गोभी के पीछे का हिस्सा बॉईल करेंगे, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालिए। आलू हमने बॉईल कर लिए हैं, उसको हमने पीसेस में काट लिया है। गोभी के पीछे का जो डंठल है उसको भी हमने पीसेस में काट लिया है। तीन चार हरी मिर्ची ली है, उसको हमने इस तरह से काट लिए हैं। एक टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आपके पास तीखी है तो आप थोड़े कम लीजिएगा। आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, आधा टेबल स्पून नमक लिया है, दो टमाटर लिए वो हमने इस तरह से काट लिए हैं, एक मैगी मसाला पैकेट लिया है, एक प्याज लिए हमने इस तरह से हमने चॉप कर लिए, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आधा किलो गोभी लिए हैं, आधा टेबल स्पून हमने भुना हुआ जीरा लिया है, आधा टेबल स्पून साबुत जीरा लिया है, आधा टेबल स्पून हमने गरम मसाला लिया है और दो चुटकी हींग लिए। अब हम कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच भर के सरसों का तेल डालेंगे, ये दो टेबल स्पून के बराबर है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम गोभी फ्राई करेंगे। साथ ही में हमने जो गोभी के पीसेस को बॉईल करा था गोभी के साथ, वो भी हम दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बचे हुए तेल में जैसे हमने गोभी फ्राई करी थी, उसमें अब हम आलू फ्राई करेंगे दो मिनट के लिए। आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम डेढ़ चम्मच सरसों का तेल और डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा और हींग डालेंगे और साथ ही में हरी मिर्ची डालेंगे, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम दो मिनट के लिए भूनेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और तीनों चीज़ों को और अच्छी तरीके से भूनेंगे। तीनों चीज़ें हमारी भून गई हैं, इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ दो मिनट के लिए। इसमें हम सारा मसाला ऐड करेंगे, धनिया मिर्ची हल्दी नमक, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, उसमें आधा बाउल पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक तेल ऊपर ना जाए, मसाला फटने ना लगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है और प्याज टमाटर अच्छी तरीके से गल गए हैं। अब इसमें हम गरम मसाला और भुना हुआ जीरा डालेंगे और अच्छे से उसको मिला लेंगे। अब इसमें हम गोभी डालेंगे और गोभी को मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम आलू डालेंगे और आलू को भी अच्छी तरीके से मसाले में मिला लेंगे। अब इसमें आधा बाउल पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए 15-20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। बीच में हम इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप सब्जी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। लीजिए, हमारे ढाबा स्टाइल गोभी आलू तैयार है। आप इसे अपने घर पर बनाकर ज़रूर देखिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा
और हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।